it was like so hectic because, you know, we were shooting for like 16, 17 hours, I guess. So it was fun, it was great, and I'm looking forward. Thank you. I hope everyone will like this song. We already have liked it and I can see smiles on like faces. Bhai saab, Mayank. Tell me, how was your experience? मुझे लगा एकदम emotion में बह गए हो आप. मुझे लगा वो एकदम मजेदार song होगा, लेकिन ये दिल को touch कर गया मेरे. So please share your experience. Thank you, Amber. And experience was, as you said, it was in between lockdown. हमारा lockdown was not lifted in Bombay, but it was lifted in Goa. So हम वहाँ गए और अभी अनु ने disclose कर दिया कि Goa था, नहीं तो हम तो Thailand बोलने वाले थे. Budget production budget के हिसाब से. सो अभी उन्होंने बता दिया है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि गोवा था. एंड काम करने में, हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि वी हैड वेरी फ्यू विंडोज टू शूट बिकॉज अभी बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल द गवर्नमेंट एवरीबडी इज नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ फ्रीडम टू अस टू शूट, बट स्टिल दे सपोर्टेड अस इन अ वेरी गुड वे. हमें जहाँ भी जो शॉट्स चाहिए थे उन्होंने हमको करने दिया. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एट दिस टाइम. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ सैड सैड काइंड ऑफ रोमांटिक. ये रोमांटिक भी है, सैड भी है, बाद में इट बिकम्स सैड. तो ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा जहाँ पे ऐसे इमोशन दिखाने का मौका मिला है. होप आई डू जस्टिस फॉर टू इट. आई ट्राइड माय बेस्ट. एंड बाकी हर्ष, ये सारा एक्चुअली सारा क्रेडिट हर्ष को जाना चाहिए बिकॉज ही इज अमेजिंग गाय. कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती होमवर्क, हमको ये सेट पे सब कुछ पहले से बता देता है. और ही नरेट्स ऑल्सो स्टोरी साथ साथ कि अभी आप कैसे फील कर रहे हो. वेरी फ्यू डायरेक्टर्स डू दैट बिकॉज जनरली दे डोंट गो टू दैट, डोंट गो विथ दैट मच पेन. इतना वो एक्टर्स का काम होता है. बट ही सपोर्टेड अस इन ए फैबुलस वे. एंड जैसे कि यश की आवाज़ है, इट्स वेरी सोलफुल. एंड इसके सारे गाने यश के अगर आपने सुने होंगे पहले भी, सो सबका व्यूज एंड ऑल एवरी थिंग इज़ वेरी नाइस. एवरी सॉन्ग टचेज हाइट्स. एंड आई होप कि ये भी साथ साथ ही इसका भी वही हो. वी होप कि इट डज वेरी वेरी वेल. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द क्रू, कास्ट एंड एवरीबडी प्रोडक्शन में जो हमारे साथ थे. कास्टिंग सीमा डिड. So very nice casting, Zima. Where are you? Thank you so much. So over to Amla. Thank you. Well, thank you, Mayank. अच्छा मैं एक personal question है, बताओ यार. आप single हो या mingle हो? I am. अगर single हो, so who can be your very, you know, charming dream girl kind of a girl? ये तो अभी आपने लोगों से ऐसे very catchy question है यहाँ पे. अभी करियर इज टेकिंग ऑफ, लेट इट टेक ऑफ, बाद में देंगे इसका जवाब कभी. ऑफ कोर्स आई विल आंसर यू, बट नॉट नाउ. अभी लेट्स फोकस ऑन दिस म्यूजिक वीडियो एंड ऑल द वर्क वी हैव डन. लगता है क्राउड में कुछ तो बहुत स्पेशल है जो मयंक के थोड़ा सा रुक गए आंसर करने से. ऑलराइट, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यश? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये गाने की शुरुआत कैसे हुई. लॉकडाउन के बाद मेरे पास कुछ काम तो था नहीं, तो लॉकडाउन में बहुत गाने बनाए और बहुत जल्दी से. तो मयंक भाई मुझे मिले, बोले कुछ प्लान करते हैं ऐसे. तो मैंने इनको जो गाना दिया था स्टार्टिंग में, एकदम सिंपल था. आप यकीन नहीं करोगे कि उस गाने को कम से कम 15 बार चेंज किया है. स्टार्टिंग में कुछ ऐड किया, एंड में कुछ ऐड किया, बिकॉज ऑफ ये स्टोरी पे इतना अच्छा वर्क कर रहे थे. मुझे पहले लगा ऐसे ही एक लड़का लड़की होंगे तो स्टोरी ऐसे शूट कर लेंगे जैसे लोग करते हैं, कि लॉकडाउन में कोई इतना मेहनत करेगा नहीं. बट जो इन्होंने जो काम किया स्टार्टिंग में, पहले ऐसे, फिर एक लड़की की आवाज डाल ली, लड़की हमारी जो साक्षी, जिसने बहुत अच्छा बीच में एक पार्ट गाया, प्लीज कम. तो स्टार्टिंग में एक शेर ऐड किया, फिर सिचुएशन के हिसाब से एकदम लिख के इन्होंने जो मुझे सुनाया उससे भी कई गुना अच्छा रिजल्ट. और मैं आपको सबको बताऊं, सब गवाह इस चीज के, शूट के 2 दिन बाद इनके पैर एकदम सूज गए थे. दिन रात इन्होंने शूट किया और इतना क्रेज, मैंने पहले इतना काम किया किसी ने नहीं देखा. प्लीज इनके इनके लिए एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए.